एक बार एक जंगल में कौवा रहता था। एक दिन वो कौवा यात्रा कर रहा था। उसे बहुत प्यास लगी तो वो एक स्थान पर रुक गया और आसपास पानी की तलाश करने लगा, मगर उसे पानी नहीं मिला। प्यास के कारण वो बहुत कमजोर हो गया था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल के आसपास पानी ढूंढने लगा। उड़ते हुए उसे एक घर दिखा। ये सोचते हुए कि उसे वहां पानी मिल सकता है, वो उस घर की ओर गया और घर के ऊपर बैठ गया। उसने घर के अंदर एक घड़ा देखा। जल्दी से वो उस घड़े के पास उड़ कर गया। उसने देखा कि उसमें बहुत ही थोड़ा पानी है। पानी को देखते ही उसे बहुत खुशी हुई, मगर क्योंकि पानी बहुत नीचे था, उसका मुंह पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था। उसने थोड़ा सोचा, फिर उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं इसमें कुछ कंकड़ डाल दूं, तो पानी शायद ऊपर आ जाएगा और फिर मैं पानी पी सकता हूं। जल्द ही वो कुछ कंकड़ की तलाश में लग गया। उसे कुछ कंकड़ मिल गए। उनके पास जाकर उसने एक एक करके कंकड़ उठाने शुरू किए, फिर घड़े के पास लेकर गया और उसमें डालने लगा। पानी थोड़ा ऊपर आया, पर अभी भी वो पहुंच नहीं पा रहा था। उसने फिर भी हार नहीं मानी और एक एक करके कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। काफी समय के बाद पानी और ऊपर आया। कौवा बहुत खुश हुआ और भर के अपनी प्यास बुझाई। उसने अपने और दोस्तों को भी बुलाया। बहुत से पंछी पानी पीने आए। उन्होंने कौवे को शुक्रिया कहा और फिर वहां से उड़ गए। कौवा और कबूतर। एक दिन जंगल में कौवा उड़ते जा रहा था, जब उसने एक सफेद कबूतर को देखा। वाह, कितनी खूबसूरत कबूतर है, इतनी गोरी। कौवा कबूतर का पीछा करने लगा। हाय, तुम कितनी सुंदर हो। इतनी सुंदर हो कैसे? तुमसे मतलब, और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चले जाओ और पीछे नहीं आना। कबूतर ने इतना कठोर जवाब दिया तो कौवा उसके बारे में सोचता ही रहा। ये इतनी खमंडी है क्योंकि ये इतनी सुंदर है ना, मैं क्यों नहीं कबूतर की तरह गोरा हूँ? मुझे कबूतर की तरह किसी भी हालत में बनना पड़ेगा। ऐसा सोचते कौवा उड़ गया, जब उसकी पुरानी दोस्त कोयल उसके पास आई। हे दोस्त, क्या हुआ? तुम इतने खोए हुए क्यों हो और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो? मेरी दोस्त, मुझे कबूतर की तरह गोरा बनना है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं ये कैसे करूँ। अब तुम ही मेरी मदद कर दो। इतना क्यों सोच रहे हो? बस किसी भी नदी में जाओ और स्नान करो और तुम गोरे बन जाओगे। कोयल की सलाह लेकर कौवे ने नदी में स्नान किया, पर उसका रंग वैसे का वैसा ही रहा। बार बार पानी में अपने आप को डुबोया। ठंडा पानी ना बर्दाश्त किए कौवा आखिरकार पानी से बाहर निकल गया। अगले दिन वह कोयल से मिलने गया। मैंने जैसा तुमने कहा वैसे किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी बार मैंने पानी में अपने आप को डुबाया और ठंड बर्दाश्त ना कर पाके मैं बाहर ही निकल गया। ओह, तो तुम गोरे नहीं हुए हाँ? कोयल फिर से सोचने लगी। ठीक है, इस बार तुम कोई आटे के कारखाने पर जाओ और अपने आप को सफेद मैदा में डुबोना, फिर शायद गोरे हो जाओगे। कौवे ने ध्यान से कोयल की बात मानी और उड़ चला आटे के कारखाने की खोज में। आखिरकार उसको एक आटे का दुकान मिल गया, पर दुकान का मालिक वहीं पर था।
मुझे मालिक के निकलने तक का इंतजार करना पड़ेगा और फिर आटे में कूद कर अपने आप को गोया बना लूंगा। ऐसा सोचते हुए कौवा पास वाले पेड़ के ऊपर बैठ गया। इसी दौरान दुकान का मालिक भोजन करने थोड़ी देर के लिए दुकान से निकल गया। तुरंत कौवा गया और अपने आप को आटे की बोरी में डुबोया। वहां से उड़ते ही सारा आटा धीरे धीरे उसके शरीर से झड़ गया। कौवा मजबूरन फिर से कोयल से मिलने गया। मैंने अब ये भी कर लिया, पर सारा आटा उड़ते समय झड़ गया। ओह, इससे भी तुम गोरे नहीं हुए? ठीक है ठीक है, क्यों ना तुम रंग की दुकान ढूंढो और अपने आप को सफेद रंग में डुबाना, इससे तो पक्का गोरे बन जाओगे। बेचारा कौवा फिर से अब रंगों की दुकान की खोज में उड़ चला। उसको अंत में सफेद रंग मिल गया और खुश होकर अपने आप को रंग में डुबो दिया। ऐसा करते ही वो पूरा सफेद हो गया। खुशी से झूम कर कौवा अपनी दोस्त कोयल के पास चला गया। मेरी दोस्त, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं हूँ, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया और देखो मैं अब कोरा बन गया हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं भी अब कबूतर की तरह सफेद बन गया। अब कौवा अपने आप को कबूतर को दिखाना चाहता था। ए, देखो मैं तुमसे भी ज्यादा गोरा बन गया हूँ, तो मुझे क्या है अगर तुम मुझसे भी खूबसूरत क्यों ना बन जाओ? हा हा हा, तुम्हें तो जलन हो रही होगी ना, क्योंकि मैं सच में तुमसे ज्यादा सुंदर बन गया हूँ। ऐसा बोलकर कौवा वहां से उड़ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सफेद रंग अब धीरे धीरे मिटने लगा। कौवा अब कुछ अजीब सा लगने लगा। वो ना कौवा जैसा था ना कबूतर जैसा। बाकी के सारे पक्षी उसको अजीब तरीके से देखने लगे। जब कौवे ने अपनी परछाई पानी में देखा तो उसको बहुत बुरा लगा। मैंने कबूतर जैसा बनना चाहा और खुद ही एक मजाक बन के रह गया। मैं ना कौवा जैसा हूँ ना कबूतर जैसा, और मेरे किसी दोस्त ने भी मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। अंत में कौवा को अपने किए पर पछतावा होने लगा।